गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि गुलाब जल कैसे यूज़ करना है आपको, जिससे कि आपके स्किन पर बहुत सारा ग्लो आ जाए। फ्रेंड्स, आपके स्किन की टैनिंग से लेकर रिंकल तक की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, और वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है। अगर आपके स्किन डैमेज हो गई है, उसे भी आप रिड्यूस कर सकते हैं रोज़ वाटर की हेल्प से। आपके स्किन पर एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है रोज़ वाटर, जिससे फर्दर डैमेज से आपकी स्किन बची रहती है, ड्राइनेस को दूर करता है। आपके स्किन चाहे सेंसिटिव हो, ड्राई स्किन हो, या ऑयली स्किन है, या आपकी नॉर्मल स्किन है, हर कोई इसका यूज़ कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। अगर आपके स्किन पर टैनिंग हो गई है तो वो भी आपके बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, वो आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो चलिए, मैं आज आपको रोज़ वाटर का यूज़ करने का एक तरीका बता। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, इसको यूज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको मैं एक बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ रोज़ वाटर के यूज़ करने का, जिससे कि आपके स्किन पर एक ग्लो देखने को मिलेगा। तो ये मैंने एक रॉ मिल्क लिया है, 2 स्पून ये मैंने रॉ मिल्क लिया है। हमें बॉयल हुआ हुआ दूध बिल्कुल नहीं लेना है, हमें कच्चा दूध ही लेना है। तो मैंने ये 2 चम्मच कच्चा दूध लिया है। और दूसरा चीज़ जो हम ले रहे हैं वो यही है कि हम रोज़ वाटर ले रहे हैं, गुलाब जल ले रहे हैं। तो गाइज, हम इसमें 1 चम्मच ये रोज वाटर डाल लेंगे। देखिए गाइस, अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, ये हमारा मिक्स हो गया है। अब मैं आपको इसके लगाने का तरीका बता रही हूँ। इसके मैं 2 तरीके बताऊंगी आपको, जो भी सही लगे, जो भी आपको इजी लगे, आप उस तरह से इसे कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ मैंने ये कॉटन ली है। कॉटन की हेल्प से आपको ये रात में लगाना है। वैसे तो दिन में भी आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप रात में लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पूरी रात ये आपके स्किन पर अपना वर्क करता रहेगा। तो गाइज, इस तरह से हम कॉटन की हेल्प से इसे पूरे फेस पर अपने लगा लेंगे। इसमें जो मैंने रॉ मिल्क लिया है, कच्चा दूध लिया है, ये हमारे स्किन के दाग धब्बों को दूर करता है, हमारे स्किन पर एक ग्लो देखने को मिलता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, हमारे स्किन को फेयर बनाने में बहुत हेल्प करता है, हमारी स्किन को लाइटन वाइटन करने में बहुत हेल्प करता है। तो गाइज, इस तरह से हम पूरे फेस पर अपने लगा लेंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे रात भर के लिए। हमें इसे वॉश नहीं करना है, सुबह में हमें इसे वॉश करना है। तो रात भर के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसका दूसरा तरीका यह है कि अगर आप कॉटन से नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि हम थोड़ा सा दूध अपने उस पर लेंगे और इस तरह से हम इसकी मसाज कर लेंगे। गाइस, हमें 5 मिनट तक इसकी मसाज करनी है और ऐसे ही हम लेट जाएंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हम इसकी मसाज कर लेंगे। हल्के हाथों से हमें मसाज करनी है, सर्कुलर मोशन में हमें मसाज करनी है। मसाज करने से ये होगा कि ये डीपली हमारे जो पोर्स हैं, डेड स्किन हो जाती है उनमें, गंदगी हो जाती है, डस्ट हो जाती है, तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, डेड स्किन हमारी बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से हम मसाज कर लेंगे। 5 मिनट्स तक हम मसाज करेंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और रात भर के लिए, और सुबह में उठकर हम इसे वॉश कर लेंगे। इस तरह से आप डेली करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग हो जाएगी, फेयर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा निखार देखने को मिलेगा आपके स्किन पर। तो आप इस तरह से इसकी 5 मिनट तक मसाज करिएगा। डेली आप करते हैं तो आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी अच्छी और ईजी मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, जो आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा निखार कर देगी। देखिए गाइस, ये मेरी स्किन पर ऑब्जर्व हो गया है। देखिए, आपको फ़र्क लग ही रहा होगा, फर्स्ट टाइम लगाकर ये आपको फ़र्क लगेगा। आप इसे डेली करें, डेली करने से कुछ ही दिन में आपके चेहरे पर दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी और आपके चेहरे पर एक ग्लो देखने को मिलेगा।
तो गाइज आपको कैसी लगी है मेरी रेमेडी, प्लीज़ कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरी रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।